सोलन में उपायुक्त केसी चमन ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि सोलन में किसी भी तरह का लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लग रहा है। जिला में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत शनिवार और रविवार को डेली नीड्स, दवाई की दुकानें, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट ही खुले रहेंगे, अन्य व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने शहर वासियों से आग्रह किया है कि वह अपने घरों पर रहें, क्योंकि यह व्यवस्था उनके लिए ही की जा रही है ताकि सभी सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि अब यह सोलन की जनता ने निर्णय करना है कि वह मास्क डालना चाहते हैं या अस्पताल का ऑक्सीजन मास्क डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि MMU अस्पताल कोरोना के रोगियों से भर चुका है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर ना निकले। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने जानकारी देते हुए बताया कि सप्ताह के अंतिम दिनों में बाजार बंद रहेंगे, कुछ जरूरी सामान की दुकानों को ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस व्यवस्था से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी अपने घरों पर रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना 2.5 गुना तेजी से फैल रहा है, जो युवाओं के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल कोरोना रोगियों से भरते जा रहे हैं, इसलिए शहर वासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों में डेली नीड्स का सामान रखकर उसे खोला नहीं जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब यह है कि MMU जो हॉस्पिटल है वो हमारा भर गया, पेशेंट काफ़ी आ गए हैं, तो लगभग स्थिति थोड़ा संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ रही है। तो आज के डेट में लगभग हमारे 64 के करीब हॉस्पिटलाइज केसेस है जिन्हें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है। तो अभी हम स्थिति ठीक है, हमारे पास बेड पर्याप्त है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन यही आग्रह रहेगा इसकी आवश्यकता ना पड़े और लोग संक्रमित ना हों। रिस्ट्रिक्शन लगाई है लोगों को अकारण बाजार से और ये बाहर ना निकले। अभी हमने जो वीकेंड जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वीकेंड मार्केट बिल्कुल बंद रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में, जिसमें आपके दूध, ब्रेड, अंडे वगैरह ये होगा और दवाई की दुकान ये खुली रहेगी और ये वीकेंड। बाकी जो वीकडेज में है 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। इसके माध्यम से हमें लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अकारण बाजार में मत रहो। जो अब वायरस का संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी पोटेंशियल 2.5 गुना है, 1.5 से 2 गुना तक है और इतना तेज़ी से संक्रमण हो, और ये यंग आदमियों को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। चाहे आप कहीं बाहर का उदाहरण लो, दिल्ली ले लो, महाराष्ट्र ले लो, और अकारण हॉस्पिटल भर गए हैं। तो हम ये जो हमने अब यहाँ पे जो कोरोना की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लोगों को आगाह और ये सचेत करना चाहते हैं कि बाजार और भीड़ वाले क्षेत्र में अकारण मत आएं। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकलें, और 1 महीने का लगभग आपको एक आचरण करना पड़ेगा। 1 महीने में अगर ये आप दिशा अनुदेश सरकार के और प्रशासन के मानेंगे तो सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। इस कारण ही ये रिस्ट्रिक्शन, ये आदेश जारी किए गए हैं। आवाजाही में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार के जो आवाजाही में कोई ये कोई कर्फ्यू नहीं है। रोक टोक तब होती है जब आप किसी 144 को प्रोक्लेम करते हैं, है ना। तो 140 नहीं है, किसी प्रकार की नहीं, आवाजाही में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। बिल्कुल जो डेली नीड्स में जो प्रीडोमिनेंटली डेली नीड्स हैं, अगर राशन की दुकानें या कोई बर्तन की दुकान कुछ ब्रेड और अंडे लेके बैठ जाए, उसका चलान होगा, ये सुनिश्चित है। जो प्रीडोमिनेंटली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 1963 जो प्रीडोमिनेंट यूज के तहत वो दुकान रजिस्टर्ड है, वही चीज़ के तहत जो डेली नीड्स की डेफिनेशन में फॉल करता है वही दुकानें खुली गई।